हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय यादव और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल विनय LLV में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ आप जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है, बिना वारंट तलाशी ले सकेगा नया बल। इसका क्या है पूरा, आइए पढ़ते हैं। यूपी सरकार ने क्या निकाला है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा यूपी SSF की गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ADG स्तर के IPS इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने DGP से 3 दिनों के अंदर इसके गठन के रोड मैप मांगा है। अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र, संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया है। बल में ADG के अलावा IDIG, समाधिष्ठ, उप समाधिष्ठ, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। शुरुआत में PSA बल की 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा। हालांकि इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को दिया गया है। देखिए, अब मैं इसका पूरा बताता हूँ। इसमें आप एक लाइन पढ़ेंगे, ये लिखा है, बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस बल का गठन किया है जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी को भी बिना तलाशी के और बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो गिरफ्तार कर सकता है। वो इन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि अगर इस गठन को इसलिए किया गया है कि अगर उसको लगता है कि इस गठन को, यानी कि जो गठन है UPSSF को, यह विश्वास अगर हो गया कि कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और अपराधी भाग सकता है या हमला कर सकता है, ठीक है, या वो संपत्ति को लेके कोई विवाद है, तो वो उसको पूरा अधिकार होगा। वो तलाशी भी ले सकती है और उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। उसको बस इतना यकीन हो जाए कि जो भी कोई इंसान है वो ऐसा काम करने वाला है, बस उसको इस चीज़ के पुख्ता सबूत मिल जाए या ऐसी चीज़ें मिल जाएँ कि उसको ऐसा यकीन हो जाए इस गठन को कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना होने वाली है, तो ये बिना किसी आदेश के, बिना किसी से पूछे ये उसको सीधे गिरफ्तार कर सकती है। इसको इस चीज़ का अधिकार दे दिया गया है। इसका जो विधेयक है ये 22 अगस्त 2020 को विधानमंडल में पारित किया गया था, लेकिन यह 6 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है, आप ये भी पढ़ रहे हैं, निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी ले सकेंगे सुरक्षा। मतलब जो हमारे निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी है वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए अलग से पेमेंट देना होगा, ठीक है। 5 बटालियन बनाने में 1747 करोड़ खर्च, ठीक है। जो ये 5 बटालियन बनाई जा रही हैं इनका काम ये होगा कि मेट्रो, रेल, औद्योगिक संस्थान, बैंक, वित्त संस्थानों, एयरपोर्ट, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, तीर्थस्थल पे आदि में इनको सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये न्यूज़ का मतलब ये है कि यूपी सरकार ने एक ऐसी टीम का गठन किया है, एक ऐसे पुलिस बल का काम का गठन किया है कि उसको पूरा अधिकार दे दिया है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और तलाशी ले सकता है। उसको किसी भी ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी कोर्ट के ऑर्डर की, ना किसी के अधिकारी के ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, अगर कोई क्राइम होता था तो पुलिस पकड़ने जाती थी तो उसको पहले उसको वारंट लेना पड़ता था, वारंट उसके उस आदमी के खिलाफ लेना पड़ता था, अपने अधिकारी के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था, तब वो किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस जो पुलिस बल को बनाया गया है उसका मतलब ही यही है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। इसको कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको कोर्ट से कोई आदेश नहीं लेना है। बस इसको अगर ये शक हो गया या ये विश्वास है या पूरे ऐसे पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि कोई बंदा ऐसा क्राइम करने जा रहा है या कुछ भी क्राइम करने वाला है, अगर पता है, मान लीजिए कोई आदमी है, इस टीम को ये गठन को ये मालूम पड़ गया है कि ये बंदा मर्डर करने जा रहा है और उनके पूरे पुख्ता सबूत हैं, ऐसा उन्हें मालूम पड़ गया है, कहीं से कोई न्यूज़ मालूम पड़ गई है, तो वो उसको गिरफ्तार कर सकती है, वो उसको रोक सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, इससे क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल होगा और ये प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो कर रही है कैसा कर रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मेरी नहीं आती है तो आपके पास इसका
जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए नमस्कार।